ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई अकेडमी जो आपको आयल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन डाउट्स कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारे दा। आज यूके दे वर्क परमिट की गल करांगे, कौन कौन यूके वर्क परमिट ले जा सकता है, की प्रोसेस है, कितना समा लगता है सारे प्रोसेस नूं, ते जिवें यूके स्पाउस वीजा ते इस वक्त एक तरीके का किया जा सकता है विराम जिहा लग गया, वो सारे एस्पिरेंट्स जिहड़े जाना चाहते सी स्पाउस वीजा ते वर्क परमिट की उन्हां वास्ते एक हल हो सकता है, ये सारिया चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करांगे। अज दे साडे गैसट ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे मैनेजिंग डायरैक्टर अमरजीत सिंह कंवर, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू दीपक जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों नूं सत श्री अकाल। सो कंवर साहब, मोस्टली तुसी स्टडी वीजा जी डील करते हो, पर यूके वर्क परमिट नूं तुसी किस तरीके नाल देखते हो, स्टूडेंट दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल किड्डी वड्डी ओपरचुनिटी मानते हो, उत्थे जाके किद्दां दा सक्सैस रेट देखते हो? देखो जिहड़ा सक्सैस रेट है यूके दे विच जिन्ने भी वीजा सिस्टम ने सारे मोस्टली पॉइंट बेस्ड ने, सो उहदे नाल जिहड़ा सक्सैस रेट है वह कित नहीं डिगदा, सक्सैस रेट वधिया रहिंदा एज फार तुहाडियां बाकी चीज़ां ठीक ने, तुहाडे डॉक्यूमेंट्स सही ने, ओरिजिनल ने, तुहाडी स्पॉन्सरशिप है चाहे यूनिवर्सिटी तो चाहे कंपनी तो, जे वर्क परमिट लेने हो तो कंपनी तो, जे स्टडी वीज़ा लेने हो तो यूनिवर्सिटी तो, और उहदे नाल जिहड़े बाकी दे लोड़िंदे एक्सपीरियंस वगैरह ने वह सारे सही बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क परमिट नूं लैके यूके दे विच बहुत ज़्यादा डिमांड उठी हुई है, इहदे कोई शक नहीं, क्योंकि 2020 च यूके च एक ब्रैगजिट होया सी जिहदे नाल उह यूरोपियन यूनियन तो टुट गया, अलग हो गया, हुण उत्थे यूरोपियन लोग काम करन नहीं आ सकते जो कि पहला 2020 तो पहला उत्थे आउंदे सी, बिना वीजे तो आउंदे सी, जिन्ना चिर चाहुंदे सी काम करदे सी, जाना सी चले जांदे सी, रहना सी रह लैंदे सी, बट हुण उहनां दी उह संधि टुटण दे नाल उह लोग उत्थे बिना वीजियां तो नहीं आ सकते, और उहनां दी वी वीजियां दीआं शर्तां उही ने जो साडे बंदे। सो वह लोग वीजे लैण दे ज़्यादा आदि नहीं है, क्योंकि उन्हां कोल होर 27 कंट्रियां शनेगंदियां हैगियां ने जिथे जाके वह काम कर सकते हैं, सो तां करके उन्होंने वो रस्ता अपना लिया, उन्होंने वो रस्ता अपनाउण नाल यूके दे विच लेबर नूं लैके बहुत वड्डी शॉर्टेज जिहड़ी उह देखी गई है। हुण इहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ी डिमांड है अज दी डेट च, जिथे यूके ने एक लिस्ट भी बनाई हुई है SOL शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ SOL ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ 26,000 ਪੌਂਡ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 22,000-20,000 ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਅਰ ਵਰਕ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਟਸ PT ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UKVI ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਉਹ ਵੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨਹੀਂ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ 5 ਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਕੋਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ PT ਦੇ ਵਿੱਚ 43-46 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ
पांच साल के वर्क परमिट से यूके जा सकते ऐसी ऑक्यूपेशन वाले। इस तो इलावा होर कई काम ने जिदा कंस्ट्रक्शन दे विच भी इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही है। इस टाइम शेफ कुक दे विच भी बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही है, उन्होंने विच भी वर्क परमिट लगने शुरू हो गए हैं। बट आ जिहड़े किते मैं दस रहा इन्हां च किते ना किते एक्सपीरियंस भी उस ट्रेड का चाहिए, क्योंकि शेफ कुक की जॉब तुसीं तां ही कर सकते हो जे ऑलरेडी तुसीं शेफ या कुक हैगे हो या तुहानूं कुकिंग की चंगी नॉलेज हैगी है। हर कोई नहीं है जिसे सीधा ग्रेजुएट कोई भी आके अप्लाई नहीं कर सकता, सो थोड़ा स्किल बेस्ड हो गया। उस तो इलावा जिन्हें भी आई टी प्रोफेसनल्स ने, मकैनिकल इंजीनियर्स ने, सिविल इंजीनियर ने, सारे ये जा सकते हैं। सिर्फ ये एक होम केयर इदा की फील्ड है जिदे तो कोई पर्टिकुलर पढ़ाई या पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की लड़ नहीं पी। सो कवर साहब, सब तो वाला सवाल स्टूडेंट्स के मन आऊगा, खर्चा किन्ना है तो रिटर्न किन्नी का? देखो जो खर्चा आ इतने थोड़ा दसना औखा है, बिकॉज इट डिपेंड है इंपलॉयर के उत्ते कि चार्जिस वगैरह ने, रिक्रूटमेंट एजेंसी उस बाद जी है उत्ते की अपने चार्जिस लेंदी है, यह कॉस्टा वे फ्लक्चुएट कर जाए। एडिशनल बेनीफिट आ हो जाता है कि तुम स्पाउस के नाल जा सकते हो, जे तुम प्लस टू भी हो तुम वर्क परमिट लेके जा रहे हो तुम तभी अपने स्पाउस नाल ले जा सकते हो। स्टडी वीजा इदा नहीं होंदा, वो तुम जो मास्टर ली जाते हो ता ही अपने स्पाउस नूं ले जा सकते हो। सो आज बेनीफिट मिल सकते हैं। कॉस्ट जी है जी वो केस टू केस वैरी हो सकती है, कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अगली तुहानू फ्री च भी ले जा सकती है, किसी की रिक्वायरमेंट लिए 36 बंदे लाइन च खड़े है तो अगला तुहाडे तो चार्ज भी कर सकता है। सो इट डिपेंड्स। बहुत सारे अपडेट्स अज थोड़े नाल शेयर किए, उम्मीद है बहुत सारे थोड़े सवालों के जवाब मिले होंगे। फिर भी कोई भी सवाल जो थोड़ा पेंडिंग रह गया तो तुसी ब्रॉडवे की टीम नू कॉल कर सकते हो, ब्रॉडवे खुद विजिट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बना सकते हो, मिल सकते हो। चैनल नू जरूर सबसक्राइब करके रखो, क्योंकि साड़ी हमेशा कोशिश रहती है कि लेटेस्ट अपडेट्स ना सिर्फ थोड़े नाल शेयर किए जान, बल्कि यूट्यूब दे इस युग दे विच बहुत सारे र्यूमर्स भी उठते हैं, सो क्लैरिटी लियाने लई भी रैगूलर वीडियोज़ इस चैनल दे उत्ते पोस्ट किए जाते हैं। चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलो। साडे नाल जुड़न वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। शीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से, ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई अकेडमी, जो आपको आयल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कन्फ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।